गुड मॉर्निंग, बोट ट्रिप डे, हैप्पी एनिवर्सरी अतिकान। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू यार। वी आर क्वाइट लो ऑन एनर्जी राइट नाउ, 4:30 हो रहे हैं। यकीन करें, तुमने सोना भी है फिर लाहौर में जाके? नहीं नहीं, ड्राइव किया। यकीन करें, हम लोगों ने कोशिश करते करते कि नींद आ जाए 2:15 बज गए थे। डोंट नो कैसे, बट नींद नहीं आ रही थी, जबकि आज हम थके हुए भी थे। आज काफी पूरा दिन ही काम शाम करते रहे। अभी मैं तैयार हुई हूँ, अतिकान तैयार हो गया है। अतिकान तो फुली तैयार है। मैंने मेकअप शेकअप अभी नहीं किया, मैंने मेकअप साथ रखा है। आई विल गेट रेडी ऑन द वे बिकॉज बहुत लंबा रास्ता। हाँ, अतिकान ने मेकअप कर लिया था। बाहर चेक करें, हल्की हल्की रोशनी आना शुरू हो गई है। एग्जैक्टली स्टोरी बनाई तुमने, कहा था नहीं। अतिकान ने अपनी स्टोरी में बोला की रोशनी आ रही है, इसका मतलब सुबह होने वाली है। तो उसका मतलब ये तो नहीं है की रात होने वाली है। मैंने बोला की हल्की हल्की रोशनी आ रही है। अब हम जा रहे हैं पेट्रोल डलवाने, सबसे पहले तो पेट्रोल डलवाते हैं। And we heard the petrol pump. Petrol pump sugar है, खाली है। अब पेट्रोल डलाते हैं, फिर निकलते हैं। हमारा पेट्रोल अभी फुल हो रहा है और ये पता नहीं इधर फोकस क्यों नहीं कर रहा। हाँ, अब कर रहा है। हो गया फुल? हाँ। So petrol is done. Now we are off to Lahore. मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं last time Lahore GT road से कब गई थी। तुम कब गए थे? काफी टाइम हो गया, मुझे तो याद ही नहीं है कि मैं गई भी थी लाहौर जीटी रोड से, या हम मोटरवे से ही जाती हूँ हमेशा, मुझे अब याद नहीं है। सो हमने 2-3 दिन पहले डिसाइड किया था कि हम इस दफा जाते हुए जीटी रोड जाएंगे। वापसी पे क्योंकि रात होगी एंड वी विल बी टायर्ड एज हेल, तो बस वो हम डायरेक्टली मोटरवे से आएंगे। रियली एक्साइटेड बिकॉज आई विल गेट टू सी ऑल द सिटीज। मुझे झेलम तक तो याद है जगह, लेकिन उससे आगे बिल्कुल भी याद नहीं है, तो मजा आने वाला है। बहुत टाइम के बाद जा रहे हैं हम। लेट्स स्टार्ट द ट्रिप। 5:30 हुए हैं। हमारा एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल ओवर देयर इज अराउंड 9 AM। आई एम सो हंग्री, हमने नाश्ता वहाँ से करना है। दैट इज वेरी सैड। मैं वैसे आज है ना, ये चीजें थोड़ी सी रख कर लाई हूँ। फ्रिज में बनानास पड़े हुए थे, जूस पड़ा हुआ था, और उसके अलावा मैं थोड़े से बिस्किट्स ले आई हूँ। मन कह रहा है कि हम नाश्ता कर लेते हैं और वहाँ जाके दोबारा कर लेंगे। ये मुझे ये है कि अगर हमने रास्ते हमने जेल में तो गुजरने, तो हमने शानदार मोबाइल से भी जाना है। वो क्या है तुम्हें पता? नहीं, क्या है ये? वो शेरा वाला जो सारा सीन, तुम्हें पता? तेरा फोन नॉट कनेक्टेड, तेरा फोन दैट इज जस्ट सैड। अभी ये देखे यार, रोड बहुत मजे किया, मुझे बड़ा मजा आ रहा है जीटी रोड पे जाने का। हाँ ना, अच्छी रोड है। मतलब मुझे ना जीटी रोड पे जाने का बड़ा शौक है। मुझे इस स्टार सिटीज में से गुजरना पसंद है। राइट लेफ्ट हलचल नहीं, चहल पहल हो रही होती है। लोग आगे पीछे अपने कामों में, तो मुझे मजा आता है। लखनऊ भी चहल पहल, और पता नहीं दूसरा क्या वर्ड है, भूल गई हूँ। खैर, भूख का कुछ करना है, लेट्स सी क्या करते हैं। यार अभी सुबह के 6:45 रहे हैं और बाहर धूप ऐसे है, रोशनी ऐसे है, जैसे कोई 8-9 बज चुके हैं। गर्मियों में ना यही होता है, बहुत अर्ली सब कुछ जो है ना, इतना ब्राइट एंड सनी हो जाता है। और बाहर तो आई थिंक अभी 27 डिग्रीज है, लेकिन इट स्टिल फील्स हॉट। अभी बीच में 1 सेकंड के लिए, आई थिंक 1 मिनट के लिए अतिकान ने गाड़ी बंद की थी, एंड इट वॉज सो ह्यूमिड एंड सो हॉट। अब देखे लाहौर में जाके क्या होता है। नाश्ते का हमने कुछ अभी डिसाइड नहीं किया। आई एम गोइंग टू हैव सम फ्रूट थोड़ी देर के लिए, शायद उससे थोड़ा सा बेहतर हो जाए तबीयत। वी आर गोइंग टू रन ऑन 2 hours ऑफ स्लीप। अतिकान 1:15 सोया था और वो 3 या 3 बजे उठा था। मैं 2 बजे सोई थी और आई थिंक 3:30-4 उठी हूँ मैं। ये हमारी नींद है, एंड फॉर नेक्स्ट 24 hours 22 hours वी हैव टू रन ऑन द स्लीप ओनली। ओके जी, लेट्स हैव बनाना या बनाना है अतिकान? अच्छा चलो, मैं अभी ये खाती हूँ। मैंने मैप पे लगाया है रावी टोल प्लाजा का लोकेशन, और मैप के अकॉर्डिंग हम 9:15 टोल पे पहुँच जाएंगे। वी आर राइट ऑन टाइम। हमारा था कि हम 9 बजे तक उधर पहुँच जाते, 9:15 इज फाइन। वहाँ से आके फौरन नाश्ता करने चलेंगे। एंड वी आर क्रॉसिंग झेलम रिवर राइट नाउ। प्रॉपर सुबह हो गई अब तो, लेकिन पानी का कलर चेक करें। हमारे पास रह गए हैं 35 मिनट्स टिल द रावी टोल प्लाजा। नाउ इज द राइट टाइम।
अब मैं जो है ना अपना मेकअप कर लेती हूँ, उसके बाद आई हैव टू फाइंड अ प्लेस, क्योंकि इतकान ने बोला कि चेक करो कहाँ पे हमने दो डिफरेंट चीज़ें खानी है, तो वो दो डिफरेंट चीज़ें हमने हलवा पूरी खानी है और पाए खाने हैं, ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ दोनों चीज़ें अच्छी मिलें। लेट मी डू माई मेकअप फर्स्ट एंड लेट्स सी हम क्या खाते हैं, कहाँ जाके खाते हैं। आज ये एक पूरा बैग जो है ना मैं मेकअप का भर के लाई हुई हूँ। सुबह जब मैं उठी थी मेरी हालत नहीं थी मेकअप करने वाली, मैं सोच रही थी इट्स टू अर्ली टू डू मेकअप बिकॉज पूरा दिन वैसे भी नहीं चलेगा, कि जब मैं लाहौर पहुंचने वाली हूँ तो तब मैं मेकअप कर लूँ। मैंने इसकी सारी पॉकेट्स में अपने ब्रशेस, मेकअप, मेकअप पाउच सब कुछ रखा हुआ है, तो लेट्स गेट रेडी। ओके जी, मेकअप डन, हम लाहौर में एंटर कर चुके हैं ऑलमोस्ट, कर दिए। अभी हम कहाँ हैं? शादरा। अभी हम शादरा हैं, हमने अनारकली का मैप लगा लिया है, तो अनारकली आएगा 9:15, 25 मिनट अभी है, 25-26 मिनट है। लेट्स लुक फॉर प्लेसेस नाउ जहाँ हम जा सकते हैं, फिर वहाँ चलते हैं। फाइनली रावी दरिया है, रावी नजर आ गया है। ईद मुबारक। वी आर एंटरिंग लाहौर नाउ। 9:59 हो रहे हैं, पूरे 9 बजे लाहौर एंटर कर रहे हैं, तो वी आर राइट ऑन टाइम। आई सो वॉन्टेड कि हम इस ब्रिज के ऊपर जाएं, बिकॉज यहाँ से वो बादशाही मस्जिद और बादशाही मस्जिद का व्यू आना था, बट अकॉर्डिंग टू मैप हमने नीचे से जाना है। नहीं, वो ऊपर से आता है ना मस्जिद का, ये सामने बादशाही मस्जिद है, बट चले पूरा दिन है, एक दफ़ा तो आएगी ना। हम लाहौर में एंटर कर गए हैं और हमने डिसाइड किया कि हम अनारकली जा रहे हैं। अनारकली डिस्को चली। आई एम सो सॉरी फॉर दिस गाइस। कर्मों की हम जा रहे हैं पुरानी अनारकली और वहाँ से जाके नाश्ता करते हैं। 9:15 हो रहे हैं, फाइनली नाश्ता अब मिल रहा है। सो रूड अतकान, और वो भी एनिवर्सरी वाले दिन, तो क्या हो गया, तुम गाड़ी मार देते ना, आज एनिवर्सरी थी। खैर, एंट्रिंग अनारकली फाइनली, द ओजी प्लेस फॉर बेस्ट लाहौरी नाश्ता। हम लोग अब आ गए हैं अनारकली में, गाड़ी पीछे पार्क कर दी है, एंड वी आर फिगरिंग आउट कि खाना कहाँ पे यहाँ से खाया जा सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने यहाँ पे एक रैंडम जगह ट्राई की थी एंड इट वाजंट गुड, हैव टू लुक फॉर अ प्रॉपर प्लेस। ओके जी, बाहर हमने जगह डिसाइड कर लिया, यहाँ पे इतकान जब से लाहौर आ रहा है यहाँ से चने खाता है, तो हमने कहा फिर यहाँ ये चने अच्छे होते हैं, तो यहीं से हलवा पूरी करते हैं और यहीं से पाए करते हैं। ये जगह का नाम है क्या ना, एक जगह का नाम है बाबर खोए वाले मटन चने एंड मुर्ग चने एंड बोन पाए, बकरे की देसी सिरी पाए। ओए ओए ओए। खैर, तो हमने ऑर्डर कर दिया, हम ऊपर गए थे फैमिली हॉल में, छोटे छोटे जो होते हैं ना, वो कौन से फैन, ब्रैकेट फैंस लगे हुए थे, फिर हमने कहा जी उधर तो बहुत गर्मी है, तो वो गाड़ी में वापस आ। हमारा नाश्ता इज हियर, वी हैव छोटे पाए, वी हैव चने, हलवा पूरी, नान, साथ में कोई सैलड भी है। Let's see, बहुत भूख लगी हुई है। First bite. यार प्लेट हटा के उधर करो। एक सेकंड। यार प्लेट हटाओ यार। First bite of the pie. ये जो मटन है ना, ये वाला बकरा ये अपने पैर नहीं धोता था, इसके बारे में मशहूर है। Good pie. अब पूरी खाते हैं। चने बहुत अच्छे नहीं है लेकिन ठीक है। नाश्ता हमने कर लिया, अब हम जा रहे हैं लस्सी पीने। यहाँ पे एक फेमस लस्सी की जगह है, तिकान ने बताई है, तो अब वहीं से लस्सी पियेंगे। बाहरी बैठते हैं। ये हमारी लस्सी अभी बन गई है और ये डल रही है। ये आ गई हमारी लस्सी। अच्छा, आई हैड दिस लस्सी फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज हियर विद इतकान्स फैमिली, तब इतकान हमारे साथ नहीं आता, बाकी सब आए थे, एंड आई डिड नॉट नो दिस वुड बी दिस गुड, बट आई लव इट। अब बहुत मजे की होती है, इसमें प्रॉपर बिल्कुल देसी मलाई डालते हैं। वेरी गुड, बहुत मजे की है। लस्सी भी पी ली है, अब इससे आगे तो मैं कह रही थी, अब इससे आगे वी डू नॉट हैव एनी प्लान। अगर ना इस्लामाबाद चलो। 10 AM राइट नाउ, वी आर हियर इन लाहौर एटलीस्ट टिल 9 PM, 9-10 के अराउंड वी लीव लाहौर, हम घर रात को 1-2 तक पहुंच जाए।
सो व्हाट टू डू. ओके जी, वहां से हम निकल आए और अब हम रैंडम क्रूजिंग कर रहे हैं लाहौर में. अभी 10:30 हो रहे हैं और हमने 11 बजे तक का इंतजार करना है. हमने 11 बजे जाना है मॉल में. एम्पोरियम जाने का इरादा है. एम्पोरियम में पैकेजेस में से एक जगह जाएंगे. एतिकान ने एम्पोरियम नहीं देखा हुआ, पैकेजेस हम दोनों ने देखा हुआ है और फोटोज तो बहुत ही दफ़ा देखा हुआ है. एम्पोरियम एक दो दफ़ा गई हूँ तो हम सोच रहे हैं वहाँ जाएँ. इससे पहले थोड़ी क्रूजिंग करते हैं जब तक वो खुल ना जाए. गाइस, फाइनली मैंने गाड़ी ले ली है. इससे पहले कि एतिकान वाइनिंग करें, जब भी हम किसी सफ़र पर जाते हैं ना, एतिकान हमेशा कहता है कि उसने गाड़ी चलाई और मैंने नहीं चलाई है. एतिकान को पहले बता दिया था कि जब तक लाहौर नहीं पहुंचते वो चलाएगा गाड़ी, उसके बाद मैं लाहौर में चलाऊंगी. नाश्ता किए बगैर दुनिया का कोई काम नहीं है जो मैं कर सकूं. सो आई हैड टू हैव समथिंग टू ईट. खाना खाते ही मैंने इतकान से खुद ही शरीफों की तरह जो है ना गाड़ी ले ली है. एंड नाउ ही इज हियर सिटिंग हियर. हमारी वीडियो बना तुमने हाथ से. 11 बज गए, हम एम्पोरियम जा रहे हैं. हमने डिसाइड किया हम एम्पोरियम भी जाएंगे, पैकेजेस भी जाएंगे. एंड वी हियर एम्पोरियम आ गया. अब अंदर चलते हैं. गाड़ी पार्क हो गई है, अब हम ऊपर जाने वाले हैं. कांट फाइंड द पार्किंग, सॉरी एंट्रेंस ही समझ आ रही एम्पोरियम की. क्या हुआ, पार्क से चले जाना ना. ओके गाइस, हम अंदर आ गए एंड वी हैव बीन टू वन शॉप एंड वी आर बोथ टायर्ड एज वेल. पता है लस्सी भी पी हुई है. लस्सी पीने के बाद इतनी नींद आती है हमें. आई थिंक सबको ही आती है. चलो तो अभी हम से वॉक करें ताकि थोड़ी सी फ्रेश हो जाएं, एक्टिव हो जाएं, फिर शॉप करते हैं. एतिकान को एम्पोरियम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. आई वाज होपिंग कि नहीं आएगा बिकॉज वो पहले पैकेजेस गया. मैं पहले एम्पोरियम आई हूँ और फिर पैकेजेस गई थी. अभी वैसे हम ऊपर से एक दफ़ा चक्कर लगा के आते हैं और फिर पैकेजेस चलते हैं. पूरा मॉल घूम लिया है एंड आई थिंक हमने 10-15 शॉप्स भी देखी हैं. स्टॉक इज़ ऑल्सो नॉट गुड. यहाँ पे गर्मी भी बहुत है, एसीज भी नहीं चल रहे. एंड वी जस्ट केम टू द फूड कोर्ट टू सिट एंड डिसाइड व्हाट टू डू नेक्स्ट. हम पहले सोच रहे थे पैकेजेस हम रात में चले जाएंगे, लेकिन रात को हो सकता है हमारा कुछ और प्लान बन जाए. वी आर प्लानिंग कि अब यहाँ से डायरेक्टली पैकेजेस ही जाते हैं, उसके बाद फिर वागा चलते हैं, ठीक है, और फिर लेक सिटी एंड पे जाएंगे. हमारे कुछ जगह हैं जो हमने कवर करनी है सिंस वी डू नॉट लाइक एम्पोरियम दैट मच. गर्मी बहुत है सो लेट्स गो. ओके जी, एक एम्पोरियम से निकल आया हम लोग और थोड़े से चेंज ऑफ प्लान्स किए हैं बिकॉज वी हैव टू फिक्स सम थिंग्स. रिसेंटली लाहौर में एक सफारी जू खुला एंड वी आर थिंकिंग कि हम वहाँ जाते हैं, लेकिन हमें वागा भी जाना है और पैकेजेस भी जाना है. यही सोच रहे हैं कि हम पहले जाते हैं वागा. वागा का मैप लगाया, अभी 1 घंटा एग्जैक्टली 1:30 बज जाएंगे वागा पहुंचते. तो अभी हम पहले जाएंगे वागा, हम जाएंगे सफारी पर और उसके बाद हम या तो पहले खाना खाएंगे या पैकेजेस जाएंगे, देखते हैं आप क्या करते हैं. ओके सो गाइस, मैं जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए ब्रेक पे. आई नीड टू टेक अ स्मॉल नैप. I have to take a small nap. या थोड़ा सा rest करना है. इससे नींद आ रही है जैसे पता नहीं क्या हो गया है. मेरी sleepy so I can't drive. नींद नहीं हुई भी and it's coming now. दुकान की भी हालत वैसे खराब ही है. नींद आ रही है. अभी हम वागा के रास्ते में. I'll take a nap for 10-15 minutes. थोड़ा बेहतर हो जाऊंगी. सब छोड़े, ये देखें नहर स्टार्ट हो गई है और अभी पीछे हम देखते हुए आ रहे हैं लोग जो है ना, इतनी गर्मी है और वो पानी के अंदर जंप मार रहे हैं. बड़ा मजा आ रहा है देख के. अब मैंने जब व्लॉग करने के लिए वीडियो रिकॉर्ड किया तो लोग ही खत्म हो गए हैं. बोलते हैं तो आई शो यू गाइस, इतने मजे का लग रहा है. सब जो है ना वो पानी के अंदर जंप लगा रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं. बहुत गर्मी है बाहर. मैं सोई हूँ, मेरा ख्याल है मैं 1.5 घंटा सो गई थी, कोई होश नहीं था. दुकान कह रहा है कि वो तो वैसे ही फ्रेश हो गया and he is ready to roll now and we have reached the border. ye india ka jhanda nazar aa raha hai samne, pata nahi hamara jhanda kyun nahi laga hua. maybe sham mein lagta hai. hamare mulk ne koi kaam aise nahi kiya tha ki jhanda rahe, but still jhanda to hona chahiye. jhanda kaun sa itkan ki chhota sa jo laga hua hai. yahan se pti hai. ye waqai pti ka to nahi, mujhe lag raha hai pti hai. ye waqai pti ka jhanda hai mera khayal hai. ye idhar pakistan ka jhanda nahi laga hua, pti ka laga hua hai. that is so weird. बस हम अब यहाँ से यूटर्न आगे से लेंगे क्योंकि ऑब्वियसली हमने परेड तो देखनी नहीं, और परेड के अलावा अंदर आपको जाने नहीं देते. इंटर नहीं हो सकते तो उन्होंने
का आगे इस वाले यूटर्न से चक्कर लगा के आ रहे हैं थोड़ा। अगर बॉर्डर के साथ ही राइट पे एक रोड जा रही थी तो अतिकान ने कहा कि हम वहाँ देख के आते हैं, क्या पता यहाँ कहीं से बॉर्डर नजर आ जाए। शायद तो उन्होंने बताया कि ये कोई रोड है जो आगे जाके शायद इंडिया नजर आता है। एक्शन, वो सामने इंडिया का झंडा लगा हुआ है तो आई थिंक हम सही आ रहे हैं। यहाँ से बॉर्डर नजर, हाँ यहाँ से थोड़ा थोड़ा बॉर्डर नजर आ रहा है। ओके जी, दिस इज द पॉइंट। यहाँ से आगे रोड नहीं है और यहाँ से आगे हम जा भी नहीं सकते, आई थिंक जाना भी नहीं चाहिए। आगे अब आर्मी शार्मी होगी। जो इंडिया को क्लोजेस्ट देख सके थे वो पीछे ही था। यहाँ से आगे मेरा ख्याल बिल्कुल एंड पे जाते हैं तो बॉर्डर आ जाएगा, लेकिन यहाँ से आगे हम जाएंगे नहीं। We decided to come forward. यहाँ पे एक लोकल ने बताया कि आप आगे जा सकते हैं, जाएं तो वहाँ गेट है, आर्मी की चेक पोस्ट है एंड दे विल लेट यू इन प्रॉबेबली, लेकिन मेरा नहीं ख्याल अंदर जाने देंगे। बस गेट बना हुआ है, वॉच टावर है ऊपर बनाया हुआ उन्होंने एंड आई थिंक दिस इज इट, इससे आगे नहीं कर सकते। ओके गाइज, ये चेक करें, इख्तिताम हदूद पाकिस्तान, दिस इज इंडिया, सो कूल। आई ऑलवेज हैव फॉर बींग ऑन बॉर्डर्स एंड एक्सपीरियंसिंग द वाइब एट बॉर्डर्स, मुझे बड़ा मज़ा आता है जब हम डिफरेंट बॉर्डर्स पे जाते हैं। मैंने बहुत सारे देखे हुए भी हैं पाकिस्तान से, इंडिया को मोस्टली जो लगते हैं, चाइना अब तो ऑब्वियसली सब नहीं देखा हुआ। सो ये है, ये सारा इंडिया है, ये यहाँ पे पाकिस्तान ख़त्म हो रहा है, सो कूल। ये देखिए, हाँ गोली ना मार दे कोई मुझे, आगे जाऊँ पर पता चले इधर ही बॉर्डर क्रॉस करने की वजह से डेथ हो गई। यार गर्मी ऐसे है यहाँ पे जैसे पता नहीं। मुझे टेंपल भी एक नज़र आ रहा है, ये गोल्डन टेंपल भी नज़र आ रहा है, कोई गोल्डन टूम के साथ। गाड़ी किसी नई जगह पे जाए होते कान उसका शूट किए वगैरह रह जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये चेक करें, ताकि मुझे कहा है कि अब मैं गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता ड्राइव करके आऊँ ताकि इनकी वीडियो बन सके। अब मैं गाड़ी स्लोली स्लोली चलाऊँगी। ये देखिए, मुझे बताया जा रहा है क्यूज दिए जा रहे हैं टू जस्ट पास, गाड़ी गुजार दो। हाँ जी जी, बन गई आपकी वीडियो। मेरी ऐसी वीडियो कब बनाने वाली हो? आज तो वैसे पे हमारी एनिवर्सरी है। ये होता है शादी के ढाई तीन साल के बाद। हमारी शादी को ढाई साल हो चुके हैं लेकिन हमारे निकाह को आज तीन साल हो गए हैं। हमारे 15 years. हमारे शादी और निकाह में 6 महीने का गैप था। सो वी सेलिब्रेट 2 anniversaries इन a year. सो वी आर हेयर एट द पैकेजेस मॉल। अब यहाँ जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे हम कुछ शॉपिंग कर सकते हैं या नहीं। मैं चलते हुए आऊंगा ना स्लो मो में, तुमने मेरी टिकटॉक बनानी है, साथ में कुछ शायरी टाइप का म्यूजिक डालूंगा धोखे से रिलेटेड, कि कैसे मेरा दिल टूटा। कैसा दिल टूटा तुम्हारा? लेट्स गो। अब हम आ गए पैकेजेस, पैकेजेस के अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या ले सकते हैं। गॉट माई सेल्फ अ स्लश, पता नहीं क्यों फॉर सम रीजन सर में बहुत दर्द हो रहा है। 2 घंटे से दुकान मुझे जो है ना हर दुकान में लेके जा रहा है टू बाय समथिंग, बट मुझे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है। नाउ आई एम सुपर टायर्ड, अब जाके खाना खाना चाहती हूँ लेकिन एहतान को भी भूख भी नहीं लगी, तो बस हम मॉल में घूम रहे हैं। ओके जी, सामने हमें सिनेपैक्स नज़र आया है तो एहतान कह रहा है कि गाड़ी भी है तो कह रहा है कि हम लोग वो करते हैं, चेक करते हैं मूवीज़ कौन सी है, कोई हॉरर मूवी है तो वो जाके देखते हैं। लेट्स गो एंड चेक कौन कौन सी मूवीज़ है। तो वी हैव दीज मूवीज, आज 17 मई है ना, अभी हो रहे हैं 3:40 हो रहे हैं। सो विच मूवीज़ कैन, हम वो 5:40 वाली देख सकते हैं, 7:15 वाली देख सकते हैं, 7:45 कोई पोपे की वेडिंग देखनी है दिखा। पोपे की वेडिंग नहीं, मुझे कुछ पसंद नहीं आया, अतिकान को कुछ पसंद नहीं आया। सो वी आर नाउ लीविंग, अभी बज रहे हैं 4 और अब जाते हैं खाना खाने बॉबिनोज। अभी खाना खाएंगे तो हम डिनर नहीं कर पाएंगे, वी आर गोइंग टू कट डिनर आउट ऑफ आवर प्लान। भी पहले जाते हैं खाना खाते हैं और फिर शूट के लिए जाते हैं ताकि रोशनी से पहले शूट हो जाए, देखते हैं उसके बाद क्या करना है। ओके जी, हलवा पूरी डन, एम्पोरियम डन, पैकेजेस डन, वाघा बॉर्डर डन, नेक्स्ट स्टॉप इज बॉबिनोज एंड हियर वी आर।
दिस इज आवर ओजी स्टेक हाउस दैट वी ऑलवेज कम टू जब भी हम लाहौर आते हैं. इट्स इम्पॉसिबल कि मैं और अतिकान लाहौर आए हुए और हम बॉबी नोज से स्टेक ना खाने आए हों. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्टेक्स, बीफ स्टेक्स इन पाकिस्तान, होल ऑफ पाकिस्तान. हमने यहाँ से स्टेक खाया, हमने इस्लामाबाद में स्टेक खाना छोड़ दिया है बीफ का, बिकॉज वी ओनली वॉन्ट टू हैव वन गुड मेमरी एंड दैट इज ऑफ दिस प्लेस, उसके अलावा कोई नहीं. तो अब चलते हैं, ऑर्डर करते हैं, खाना खाते हैं. बहुत भूख लगी हुई है, सर में शदीद दर्द है. खाना खा के मैं तो दवाई भी लेने वाली हूँ, बिकॉज जिस गर्मी ने ना मेरा बुरा हाल कर दिया. आई एम गोइंग टू टेक माई चार्जर विद मी, पड़ा हुआ, क्योंकि ना मेरे फ़ोन में अब चार्जिंग कम है और मेरा ख्याल है मुझे थोड़ा सा चार्ज कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे भी ब्लॉग करना है, फिर पिक्चर्स वगैरह भी लेनी है, तो ये ना फ़ोन ही बंद हो जाए. सो वी हैव ऑर्डर्ड स्टेक्स. अब मैं थोड़ी देर फ़ोन को चार्ज कर लेती हूँ. So that it has at least 60-70% charge. अभी सर में बहुत दर्द है तो हिम्मत नहीं है अभी बोलने की ज़्यादा. खाते हैं फिर एनर्जी आएगी एंड देन लेट्स सी इसके बाद अब क्या करना है. फाइनली फाइनली हमारा खाना आ गया एंड दिस इज़ द ओजी स्टेक दैट आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट. मैंने रिबाय ऑर्डर किया है, अतिकान ने टीबोन किया है, एंड नाउ वी आर गोइंग टू ईट इट बिकॉज बहुत भूख लगी है. सब ट्राई करते हैं. ओके जी, खाना हमने खा लिया और खाना बहुत मज़े का था. वी ऑर्डर्ड अ मीडियम स्टेक, हमें मीडियम वेल मिल गया, बट स्टिल द टेस्ट वाज वेरी गुड, मज़ा आया. एंड नाउ ऑफ टू फोर्ट रोड बिकॉज वहाँ पे हमने अपना शूट करना है, वहाँ पे हमने अपनी पिक्चर्स लेनी है. आई वांटेड टू मेक अ वीडियो. वीडियो की एग्जीक्यूशन जो है वो बहुत एक्सटेंसिव हार्ड वर्क रिक्वायर कर रही थी और मेरा ट्राइपॉड ही घर रह गया तो हो नहीं सकती बिकॉज मैंने हम दोनों की वीडियो बनानी थी एंड ऑब्वियसली हमें रिकॉर्ड करने के लिए कोई तीसरा बंदा तो है नहीं. वीडियो नहीं बन सकी, ऑल दो आई मेक अ वीडियो ऑन आर एनिवर्सरी हमेशा, लेकिन आज नहीं हो पाई. बट पिक्चर्स आएंगी, पिक्चर्स लेने जा रहे हैं. या तो हम बादशाही मस्जिद को बैकग्राउंड में लेंगे या फिर हम हवेली वाला जो बैकग्राउंड है उसको लेंगे. वी हैव गो देयर एंड डिसाइड करेंगे कैमरे में कौन सा अच्छा लग रहा है, फिर वहाँ पर पिक्चर्स लेंगे. सो लेट्स होप कि हम बस टाइम पे पहुँच जाए. अभी हमारा टाइम आ रहा है 6:15, अभी 5:30 हो रहे हैं. मगरिब कितने बजे है, लेट्स सी. मगरिब है जी 7:04 पे, तो हम ठीक है, हो जाएगा, हमारे पास 1 घंटा है, हमारा शूट आराम से हो जाएगा. ऑल्सो माई एनर्जी वॉज सपोज टू गो अप आफ्टर ईटिंग, लेकिन सर दर्द इतना ज़्यादा है ना कि आई एम अनएबल टू स्पीक. मेरे पूरे इस पोर्शन के अंदर दर्द है, आई थिंक वो नींद की कमी और फिर खाना देर से खाना, वो सारा कंबाइन होके जो है ना वो अब सर दर्द में बन रहा है. अभी चाय पीते हैं, शायद बेहतर हो जाए. We are finally entering Fort Road. मेरे सर का दर्द अभी भी ठीक नहीं हुआ. I have to find medicine, कोई फार्मेसी. मेरी दवाई खत्म हो गई है सर दर्द की. ये चेक करें जी, फोर्ट अब शुरू हो गया. We'll be there in 3 minutes. पार्किंग मिल गई है गाइस. यहाँ पर एक गाड़ी है पीछे जो निकल रही है और वो लड़के ने कहा है कि मम्मी वहाँ पे गाड़ी लगवा देगा, शुक्र अल्लाह का. और ये सामने चेक करें बादशाही मस्जिद, क्या खूबसूरत व्यू है. ओके जी, आप लाहौर आए और ये लाहौर वाली फूड स्ट्रीट ना आए, बादशाही मस्जिद ना आए, तो फिर योर ट्रिप इज इनकम्प्लीट विदाउट इट. ओ हियर वी आर, बैक पे हमारे इधर बादशाही मस्जिद है और ये सामने फूड स्ट्रीट है. जाते हैं कोई चाय शाय पीते हैं और जब तक सनसेट नहीं होता व्यू इंजॉय करते हैं. हवेली रेस्टोरेंट का जो पेंट है ना वो शायद रीन्यू हुआ है, आज कलर्स और ज़्यादा ब्राइट और प्यारे लग रहे हैं. तो वी हैव फाउंड आवर सीट, हमने चाय ऑर्डर कर दी है. ये इधर बादशाही मस्जिद है, एग्जैक्ट क्लियर व्यू तो नहीं है लेकिन बाहर से आ रहा है. एंड दिस इज हवेली रेस्टोरेंट. ओके गाइस, उधर से हम निकल आए फूड स्ट्रीट से एंड फाइनली अब हम इस्लामाबाद के लिए निकल रहे हैं. बिल्कुल अभी हम रिंग रोड पे चढ़े हैं, रिंग रोड है ना, और रिंग रोड से ही कनेक्ट हो जाएगा मोटरवे एंड देन वी विल बी ऑन अवे होम. अकॉर्डिंग टू मैप हम पहुंचेंगे 12:30, अभी बज रहे हैं 8. हर चीज़ हो गई थी, हमने 9:10 का सोचा था तो बस अब और कुछ करने को नहीं था, तो वही थॉट के बस अब लेट्स गो होम. दीद थक चुके हैं, सरों में दर्द है, बॉडीज आर सुपर टायर्ड, तो लेट्स गो. And we are entering the motorway. और आज काफ़ी रश है, आई थिंक आज फ्राइडे है, इस वजह से बाहर बहुत रश है, बट फाइनली वी आर ऑन motorway. ओके गाइज, थोड़ी देर सो गई थी, आई थिंक घंटा सोई हूँ मैं, और अतिकान बेचारा ही ड्राइव कर रहा है. पता नहीं मेरी तो हालत नहीं हो रही,
खैर भेरा के बाद मैं ड्राइव करूंगी, अबाउट टू रीच भेरा। एंड आई डोंट नो फॉर सम रीजन भेरा के बाद भी इस्लामाबाद 2 घंटे 48 मिनट्स बता रहा है, भेरा के बाद वैसे 1.5 घंटे में इस्लामाबाद आ जाता है, और ये आज तकरीबन 3 से भी ज्यादा घंटे बता रहा है। बस भेरा आने वाला है, भेरा पे हमने रुकना है, भेरा पे हमने छोटी सी सेलिब्रेशन भी करनी है टू एंड द डे, वहाँ से कुछ मीठा लेके काटेंगे। सब 10 बज रहे हैं एंड द एनिवर्सरी, निकाह एनिवर्सरी इज अबाउट टू एंड, एंड विल एंड द डे ऑन दैट नोट। ये बस भेरा आ गया, मुझे भेरा वाले रेस्टोरेंट नजर भी आना शुरू हो गया। भेरा पहुँच गए हैं, वी आर डिसाइडिंग के क्या मीठे में ले, दैट विल कट। हम इधर से डोनट भी ले सकते हैं, यहाँ से हम कोई पेस्ट्री वगैरह भी ले सकते हैं, मीठा लेना इट्स जस्ट समथिंग जो हमने करनी है, एक छोटी सी सेलिब्रेशन टाइप। अरे डोनट लेते हैं, देन वी विल गेट अ डिस्पोजेबल नाइफ एंड कट इट, लेट्स गो। डिसाइडिंग व्हाट टू गेट फ्रॉम हियर, सो वी गॉट 1 डोनट। अदरकार निकालो ना प्लीज। सॉरी यार, ये कैसी एनिवर्सरी जिसपे मेरा मियाँ मेरी बात भी नहीं सुन रहा। अच्छा ये चम्मच पकड़ो, नहीं सॉरी पकड़ो ना, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, लेट्स टेक द डोनट आउट। हमने ये वाला डोनट लिया, अभी भूख भूख नहीं है, बट दिस इज समथिंग दैट वी हैड टू डू। चॉकलेट कस्टर्ड फिल्ड है तो इसको अब हम काटेंगे, लेट्स पुट इट हियर। चलो एतकान कट करते हैं, मैं उधर आती हूँ तुम्हारे पास, मैं एतकान के पास आ गई हूँ, अब हम इसको मिल के काटते हैं। चलो ये तुम पकड़ो यहाँ से। Yes, ma'am. चलो आ जाओ। Happy anniversary to me. To us. Happy गाओ ना। Happy anniversary to us. टोन में गाओ। नहीं यार, वो अंदर बंदा कोई भी नहीं देख रहा। बैठे हैं। नहीं पागल नहीं बैठे। To us. To us. एक मिनट, मैं बबल फेंक रहा हूँ, मेरे मुँह में एक्चुअल में बबल है। जाओ कैमरा मुझे दे दो। क्या चल रहा है इधर? ना ये सामने ही पड़ी हुई है। ये लो इत्तेकान। थैंक यू मम्मी। मैं तुम्हारे मुंह में डाल रही थी। बासी डोनट। बासी है? हाउ कैन काइंड ऑफ फील लाइक हां। दैट इज सैड। हमारी एनिवर्सरी का डोनट बासी है। ये सारी एनिवर्सरी हमारी शादी बासी होगी। हां। ये ले। गिरेगा? तो इसको ख़त्म करते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। फाइनली आई विल बी ड्राइविंग नाउ। अब इत्तेकान के साथ वो ज्यादती हो चुकी है, सो अब मैं ड्राइव करूँगी। मुझे बीच में इतनी नींद आ गई थी कि आई कुडंट ड्राइव, मैंने इत्तेकान को तुम ड्राइव करो इससे पहले गाड़ी लग जाए। केम एंड मैं इधर आके 15 मिनट सो गई हूँ, बट पूरे 12 बज रहे हैं एंड वी आर हियर इन इस्लामाबाद। एनिवर्सरी डन इत्तेकान। It was nice seeing you as well. बाद घर जाते हैं, it was a great day, लेकिन अब बहुत थक गए हैं। हो चुके हैं। व्लॉग को एंड कर रही हूँ, घर जाना है बस, चेंज करके सोना है सीधा। सी यू गाइस टुमारो, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड ओके बाय।